हालांकि जो स्वागत का दौर है वो रांची एयरपोर्ट पर जो कार्यकर्ता है यशवंत सिन्हा के, वो अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए रांची एयरपोर्ट की, जहां अपने नेता के स्वागत में हजारीबाग से भी कार्यकर्ता पहुंचे, रांची से भी कार्यकर्ता पहुंचे, जो अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं। तो सर कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि जो बीजेपी का नारा है, मोदी का जो नारा है, अब की बार 405। हाँ शायद हो जाए, कैसे कहा जाए आज के दिन, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है ना। चुनाव की घोषणा होगी, फौजें सजेंगी, दोनों तरफ से कमांडर्स चार्ज लेंगे, पूरी रणनीति जो बनेगी तब तय होगा कि कौन कहाँ मजबूत है, कौन कौन सा सीट निकालेगा। बीजेपी जो अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर चुकी है, लेकिन विपक्ष जो है अब तक उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई, तो क्या चुनाव में अब इतनी देरी? कोई नहीं, चुनाव की घोषणा नहीं हुई ना अभी। मैं जोर दे के बात इस बात को कह रहा हूँ कि चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, और बार बार ये आरोप लगता रहा है कि विपक्ष बहुत कमजोर है, फैसला नहीं कर पाता है, लेकिन समय के पहले बराबर जो गठबंधन है विपक्ष का वो अपना फैसला कर लेता है, समय के पहले फैसला कर लेता है, समय आने दीजिए फिर फैसला हो जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार अलग हो गए इंडिया गठबंधन से, तो नीतीश कुमार के पास कितने विधायक हैं? 35। जदयू तो बिहार में एक महत्वपूर्ण पार्टी है। बिहार में जदयू महत्वपूर्ण वैसे ही है जैसे और पार्टियां हैं, लेकिन बाकी सारी पार्टियां जो मजबूत हैं वहां पर, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो बीजेपी हो, वो नीतीश जी की पार्टी से बहुत आगे है। लेकिन कई कारणों के चलते नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जो हमारे देश में लोकशाही है ना, जिसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र में जो नेता होता है उसका चुनाव चुनाव खत्म होने के बाद होता है, समझे ना। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जबकि उन्होंने पहले नेता घोषित नहीं किया। और भी दल जो हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास कोई मजबूत नेता है तो हम पहले घोषणा कर देते हैं, अगर हम गठबंधन में लड़े हैं तो बाद में करते हैं। बीजेपी में आपके दौर का वर्तमान दौर में क्या अंतर? अब वो बहुत लंबा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, चलते चलते उसका उत्तर दीजिए। एक सवाल है, जयंत सिन्हा ने जो चुनावी है उससे अपने दूरी बना ली है, तो कहीं आपकी राजनीति में जो इस अपोजिशन पर जाना ये तो कारण नहीं है? नहीं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा थे जो अभी अपोजिशन के नेता बने हुए, लगातार मोदी का विरोध करते नजर आ रहे हैं, और इसी विरोध का खामियाजा इनके बेटे जयंत सिन्हा को भी उठाना पड़ा कि उनको सक्रिय राजनीति से दूर होना पड़ रहा है। उनकी दूरी की वजह क्या है? क्या मोदी का आदेश है कि वो जिस तरीके से यशवंत सिन्हा लगातार बीजेपी पर हमलावर है, कहें उसका खामियाजा जयंत सिन्हा को तो नहीं उठाना पड़ा जिसके कारण उनको सक्रिय राजनीति से दूर होना पड़ा? सहयोगी पिंटू के साथ चित्रंजन कुमार, टीवी 45 रांची।